Yes, class. Hello, everyone. How all of are you, class? As you know that we are discussing our chapter, that is the functions, and it's a very interesting topic for you. क्योंकि देखो, we are familiar with the functions. Functions क्या होता है? ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, है ना? कैसे जो होता है functions हमारे real life को affect करता है. These all things we have already discussed, class. Now one more thing is like in our functions or rest, जो कि बहुत functions का वैसे बहुत types होते हैं, है ना? ये जो logarithmic function होता है, trigonometric functions होता है ना, बहुत सारे functions होता है. तो कुछ functions हमें 12th में भी पढ़ना है और कुछ functions हमें available है. अब जो हम लोग ने अभी जो पढ़ रहे हैं real value functions, these all are belongs to your courses at 11th class. So and after that जो होता है implicit functions होता है and logarithmic functions और trigonometric functions, these all functions you will study in your next class. So let us start a very English topic, that is the real functions. Real functions किसको कहते हैं? Real functions कहते हैं अब functions f a and b is called a and b is called a real value functions if b is a subset of R. R मतलब कह रहा है कि real number, set of real number. अगर कोई भी जो होता है functions है, functions जो है वो अगर real value का real value का क्या हो, subset है ना, real number का subset होता है, तो वो क्या होता है, real value functions होता है. इसी तरह अब इसको जो होता है छोटे छोटे जो होता है फार्मूले या फिर जो होता है किसी भी सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. एक छोटा सा जैसे कि एक हो गया fx is equal to x square plus x plus 1. अब देखो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या देगा, x का वैल्यू क्या देगा, रियल नंबर देगा. तो ऑब्वियसली ये रियल नंबर का सबसेट होगा क्लास. fx is equal to आपका जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज द x minus 1 ऑफ x square minus 1. ये इस तरह का जो कुछ भी जो होता है आप इसको किसी भी तरह से फॉर्मूले से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है ना, जो अलजेब्रिक फंक्शंस टाइप का है ना. अब ये फंक्शंस इसलिए हो गया क्योंकि देखो कहता है कि सर आपने बोला कि सेट ऑफ द रियल नंबर, रियल नंबर का ये जो होता है सेट ऑफ सबसेट होना चाहिए. तो रियल नंबर इसे कहा, तो भाई हम फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रियल नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना, सारे कांस्टेंट नंबर है. तो उसमें अब फंक्शंस कोई भी दिखाना होता है तो फंक्शंस क्या होता है कि फंक्शंस में डिपेंड्स वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है ना फंक्शंस में. तो यहाँ पे जो होता है एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास, दैट इज द फंक्शन और इसी पे डिपेंडेंट होता है. एक्स का वैल्यू कुछ और होगा कुछ और आएगा, है ना. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्स का वैल्यू 1 रखा है ना, 1 रखने पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 तो ये कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया. देखो ये रियल नंबर आया ना क्लास. अब f का वैल्यू 2 मैं रख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6 और 7. ये क्या है, रियल वैल्यू है ना. f माइनस 1 का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, ठीक है. देन व्हाट, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. तो हमेशा व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, माइनस ये हो गया प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ये तो
क्लास हमेशा ये जो होता है रियल नंबर का सबसे आना चाहिए। देखो रियल नंबर का सारे नंबर रियल नंबर यू नो दैट कि अंडर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है ना सब आता है। सो क्लास एफ वन इसके अगर हम लोग प्रूव करते हैं तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स है तो वन का स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर तो ये कितना हो जीरो अपॉन माइनस थ्री। अब देखो जीरो अपॉन माइनस थ्री हो गया ना तो जीरो इसको हम लोग लिखेंगे रेशनल नंबर हो गया। अब देखो एफ टू अगर हम लोग रखते हैं तो ये भी रियल नंबर का पार्ट है। जीरो क्या है एक सब पार्ट ऑफ द होल नंबर है ना और होल नंबर का ये पार्ट है तो होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर डेफिनेटली यू नो दैट। टू माइनस वन टू का स्क्वायर माइनस फोर। अब ये देखो क्लास ये होगा वन अपॉन जीरो ये अनडिफाइंड आ गया ये क्या हो गया अनडिफाइंड ठीक है ना ये क्या हो गया क्लास क्या अनडिफाइंड हो गया। अब ये अनडिफाइंड हो गया तो इसका कोई मतलब है ही नहीं बताने में है ना। एफ टू इक्वल टू हो गया क्लास टू माइनस वन अपॉन एफ टू तो हो गया एफ थ्री इक्वल टू थ्री माइनस वन और थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर ताकि इसका टू अपॉन फाइव ये भी क्या हो गया टू अपॉन फाइव ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है ताकि उसका ये भी रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर किसका पार्ट है रियल नंबर का ऑब्वियसली इससे भी बन जाएगा आपका जो है सबसे ठीक है ना। चलो इसी तरह से हम लोग जो होता है कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं देखते हैं कि क्या कैसे जो होता है सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं इसका क्लास। तो लेट अस फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सपोज दैट इफ यू हैव गिवन थ्री इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस
plus 1 minus 2x minus 5 plus 9, और इसको भी हम कर देते हैं x square plus 1 minus 2x दोनों को अलग अलग थोड़ा लंबा जाएगा देखिए जो होगा 3x square plus 3 minus 6x minus 5 plus 9. अब ये हो गया प्लस x square plus 1 minus 2x है ना, कितना हो गया 3x square और ये प्लस हो गया कितना minus 2 minus 6x minus 2 minus 2 minus 2 plus 9. अब ये एक एक करके हमें जो होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों से प्लस, तो इसको उठाऊंगा तो 3x to the power 4 minus 6x x cube minus 2x square, ये हो गया तीनों से फिर प्लस 1 है तो 1 से करने तक में क्या मिलेगा यही नंबर 3x square minus 6x minus 2 है ना, और फिर 2x से कर लेंगे प्लस, तो 2x से करने पे माइनस माइनस 3 हो जाए 6x क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर और ये कितना हो गया 24 माइनस 24 और 2 हो जाए सॉरी 2 हो जाए 4 4x माइनस माइनस प्लस ठीक है ना, पर ये प्लस 9 एंड दिस लिखा जाएगा। चलो अब हम लोग कुछ इधर चल लेते हैं क्योंकि इधर हमारे पास जगह बहुत कम और ये लाइन हम डिवाइडर यहाँ डाल रहा हूँ क्लास देखो 3 टू द पावर 4 तो एक ही टर्म है सो वी विल राइट हियर 3 एक्स टू द पावर 4 और उसके बाद में क्या है 6 एक्स क्यूब 6x क्यूब 6x क्यूब माइनस माइनस है ना, तो ये कितना होगा माइनस 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब ये और ये ठीक है ना, उसके बाद x स्क्वायर वाली बात है तो x स्क्वायर वाली 2x स्क्वायर और 10 12 15 यानी 13 प्लस 13x स्क्वायर 13x स्क्वायर उसके बाद में x वाले 6 6x और ये चार हो जाए माइनस 2 माइनस 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 2x माइनस 2x और ये कितना है और सात गुणा प्लस 9 प्लस नहीं, ये हमारे पास है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये जो होता है हमारे पास एक्स माइनस वन का, इस तरह से आप जो होता है सॉल्यूशन सबका निकाल सकते हो एक्स का वैल्यू। चलो एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और आप लोग को करके दिखाता हूँ। क्लास देखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्रूव दैट एफ एक्स होल क्यूब इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एफ, ये हमें प्रूव करना है बहुत ही आसानी से अगर हो जाएगा। देखो ये क्या दिया हुआ है एफ एक्स गिवन से हम लोग चलेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस, ये जो हम लोगों के पास जो गिवन है उससे चलेंगे और इसका क्या करेंगे क्यूब हमें चाहिए प्लस, सो लेट अस क्यूबिंग बोथ साइड दोनों साइड हम लोग क्यूब करते रहे तो ये हो गया एफ एक्स है ना क्यूब इक्वल टू ये कितना हो गया प्लस एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू हमें थ्री चाहिए थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और ये क्या होता है एफ एक्स
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये होता है प्लस आपके पास ये फार्मूला ए क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो है प्लस बी हाफ जस्ट फ्रॉम दिस फार्मूला एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन ये क्या हो गया, इसको आप क्या लेंगे, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू इसको आप क्या ले सकते हैं, क्या लिखोगे इसका जो होता है ये फंक्शंस, ये आपके पास क्या हो गया, इसकी किसकी वैल्यू आ रखी है, इसकी एफ एक्स क्यू की है ना, ये नहीं मिल रहा है कि एक्स क्यू, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें सपोज करो कि यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स क्यू पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, ऐसे देख सकते हैं एक्स की जगह, ठीक है ना, तो ये इतना जो होता है प्लस इन द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट हियर है ना, इसको तो ऐसे ही लिख लो एफ एक्स है ना वन क्यू, और ये क्या हो गया एफ एक्स क्यू, ठीक है ना एफ एक्स क्यू प्लस थ्री, ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये जो होता है इसके जगह पर क्या हो गया, इसके जगह पे आपका हो गया एफ एक्स है ना, इसके जगह पर क्या हो गया आपका एफ एक्स, और उसके बाद जो होता है प्लस वॉट इट इज सेइंग दैट ये एफ एक्स हो गया, और हमें लाना क्या है ये लाना, ठीक है ये करके लाना है, अच्छा एक बार बताओ यहाँ पे थ्री एफ एक्स को आ गया थ्री एफ एक्स, बट हमें क्या चाहिए वन अपॉन एक्स चाहिए, तो वन अपॉन एक्स ये किसका वैल्यू हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग बात करें क्या लिख सकते हो फंक्शंस, अगर हम लोग एक्स को वाइट कर दें है ना, हमें एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स चाहिए, चाहिए क्या चाहिए वन अपॉन एक्स चाहिए, तो अब बताओ वन अपॉन इसकी तो वैल्यू कितनी आ रही है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये हमने दिया हुआ है इसके बदले आप लोग आए एफ एक्स लिख सकते हो है ना, और इसको जो होता है लिखने के बाद जो है आप मुझे ये बताओ कि इसको वन अपॉन एक्स में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए वन अपॉन एक्स चाहिए क्लास, सोचो नहीं देखो यार क्लास इसमें हम कर लेंगे, अगर एफ एक्स सपोज करो कि ये हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये गिवन है ना, अगर हम लोग वन अपॉन एक्स रखते हैं तब क्या होगा, अगर एक्स की जगह वन अपॉन एक्स करते हैं तो ये एक्स की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस इसको क्या करते हैं यानी एक्स अपॉन वन प्लस सेम थिंग इसको भी वी कैन राइट वन अपॉन वन अपॉन एक्स, यानी कि क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन अपॉन एक्स ही हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो क्लास वी विल राइट हियर एफ एक्स इक्वल एफ एक्स होल प्लस थ्री इसके जगह एफ वन अपॉन एक्स यू कैन राइट एंड प्रूव, ये आपका प्रूफ है, चलो इसी काम में जो होता है डोमेन और रेंज निकालने के लिए चलते हैं पहले क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एफ बी द एफ बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर एंड जी बी डिफाइंड बाय जी एक्स दिस है ना, एंड लैम्डा ये गिवन है आपके पास, फाइंड द लैम्डा दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस व्हाट इज गिवन है ना, देखो ये जो है एफ एक्स
इक्वल टू जी एक्स, ये क्या है हमारे पास गिवन गिवन है, लेमडा की हमें वैल्यू मिला और क्लास जी एक्स इक्वल टू वी कैन राइट एक्स माइनस फोर है ना, और देखो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है माइनस फोर, और क्या हो सकता है माइनस फोर माइनस फोर दैट इज द माइनस एट, तो ये हमारा लैम्डा, क्योंकि लैम्डा कितने पे डिफाइन है, लैम्डा कितने पे डिफाइन है फोर, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस एट इसी फॉर्म को ले लेंगे, यही आपका जो है आंसर होगा क्लास, ठीक है ना। चलो अब डोमेन और रेंज पे चलते हैं कि डोमेन क्या होता है रेंज क्या होता है क्लास। हाँ देखो डोमेन ऑफ द रियल रियल फंक्शन, डोमेन को वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि डोमेन हम लोग किसको कहते हैं, डोमेन हम लोग किसको कहते हैं कि भाई जो सेट में है जो एफ एक्स का वैल्यू को एक्वायर कर रहा है, पता डोमेन ऑफ एफ एक्स is a set of all those real numbers for which fx is meaningful. Meaningful कहने का मतलब जो meaningful हो, meaningful मतलब जो undefined नहीं हो, मतलब जैसे कि हमने अभी अभी सोचा है एक एग्जाम्पल, जैसे कि लेट है ना कोई भी एक है थ्री fx is equal to थ्री एक्स माइनस टू अपॉन, देखें अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, ये अगर हम लोग देते हैं कोई भी एक है थ्री एक्स माइनस वन, तो मीनिंगफुल कहने का मतलब है कि अगर इफ सपोज हम एफ इक्वल टू वन करते हैं तो ये क्या होगा थ्री इंटू वन माइनस टू और वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो गया प्लस ये थ्री माइनस टू अपॉन वन माइनस वन यानी वन अपॉन जीरो, ये क्या होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसको कहता है कि इनफैक्ट कोई अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो ये नहीं आना चाहिए है ना, अनडिफाइंड थिंग्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे रियल नंबर और इस फंक्शन का। अब जैसे कि माइनस वन है तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, तो प्लस माइनस थ्री माइनस टू अपॉन वन माइनस वन, तो माइनस फाइव अपॉन जीरो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ला रहा है रियल नंबर वो इसका डोमेन नहीं होगा। जैसे कि इसको हम लोग सीधे रिप्रेजेंट करेंगे आर माइनस है ना कौन सा वन एंड माइनस वन नहीं होगा इसका डोमेन, रेस्ट जितने भी है सारे आपके सबके जो होता है कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा, इन दोनों वैल्यू पर केवल नहीं, यानी जिस फंक्शन का डोमेन हमें निकालने के लिए दिया रहे और उसका डिनोमिनेटर अगर जीरो आ रहा है क्लास तो वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। बाकी सब जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि आर माइनस वन से इसका जो डोमेन होगा है ना, डोमेन इक्वल टू आर माइनस है ना वन और माइनस वन, इन दोनों को छोड़ दो इसमें से हटा दो बाकी कुछ भी बात नहीं है ना, कुछ भी बात हो तो कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा और कोई ना कोई वैल्यू देगा तो ये वो उसका डोमेन होगा क्लास। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग जो होता है और ले लेते हैं, एक है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा है जो कि किस पे ये डिफाइन नहीं होगा, किस पे डिफाइन नहीं होगा बताओ, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग वन अपॉन यहाँ पे माइनस टू दे दें है ना माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन जीरो, तो ये नहीं होगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये इसमें नहीं होगा। बाकी इसके अलावा ये होता है क्लास जो रियल नंबर में है ना, माइनस करके माइनस टू नहीं होगा डोमेन में इसमें,
है ना, इसके दोनों में ये नहीं होगा, बाकी कुछ भी वैल्यू कर लो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन आपका ये हो गया। अब जो होता है कोई एक है एक्स वाई, केवल इसी को हमें देखना है, एक्स माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू गिवन दैट एक्स माइनस वन और है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री तो ये डिनोमिनेटर किससे जीरो हो जाएगा, थ्री से है ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स अगर मैं थ्री रखता हूँ वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन और ये हो गया थ्री माइनस थ्री, ये टू अपॉन जीरो, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कर रहा है तो ये इसका नहीं होगा, यानी डोमेन जो होगा है ना, डोमेन जो होगा इसको छोड़ दीजिए है ना, इसको और इसको थ्री को, बाकी जो भी होगा सब जो होता है इसके डोमेन में आएगा और कोई भी जो होता है प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा, इसकी गारंटी है। सो एक्स इक्वल टू थ्री ये नहीं होगा, डोमेन में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ठीक है ना, डोमेन में इसको डिलीट कर दीजिए बाकी सब। चलो हम लोग रेंज पे चलते हैं कि रेंज हम लोग किसको कहते हैं, क्लास देखो रेंज क्या है, रेंज ऑफ अ रियल फंक्शंस, अ रियल फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू टेकन बाय द एफएक्स एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, जो इसके डोमेन के द्वारा जितना रियल वैल्यू लिया गया है, जो भी डोमेन लेगा है ना, आई डोंट नो कि क्या लेगा डोमेन, जितने भी ले है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं रेंज करते हैं, उन लोगों ने देखा और लास्ट टाइम तो क्लास इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लेट कर लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स दिया है, चलो ठीक है थ्री माइनस एक्स दिया है क्लास। तो इसको पहले क्या करना है, फर्स्ट पहले इसको रेंज क्या होता है, ये जो वैल्यू लेगा वो रेंज होता है ना, ये जो वैल्यू लेगा तो लेट कर लेंगे हम इस लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई और इस एक्स को वाई के टर्म में लिख देंगे, ठीक है ना, और एक्स ये जो होता है वाई इक्वल टू हो गया एक्स प्लस टू और थ्री माइनस एक्स, दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे प्लस, ये कितना हो गया वाई इंटू थ्री माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये टू को इधर मिल जाएंगे उस एक्स को इधर, 3y माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो अब हो गया क्लास, वी कैन राइट हियर एक्स एज अ कॉमन 1 प्लस वाई 3y माइनस टू और एक्स इक्वल टू थ्री बाय माइनस टू है ना अपॉन वन प्लस क्लास। अब फिर वही काम करेंगे जो करते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको जीरो, ये यहाँ जीरो नहीं आया, जीरो अगर आ गया तो उसको डिलीट कर देंगे उस रेंज से। तो देखो अगर हम लोग जो होता है वाई की वैल्यू माइनस वन देते देखने से ही पता चलता है कि वाई की वैल्यू अगर माइनस वन देते हैं तब क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू वन माइनस वन, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस थ्री और टू फाइव हो गया माइनस फाइव और जीरो, ये अनडिफाइंड कर रहा है, अनडिफाइंड कर रहा है, तो इसको जो होता है रेंज इक्वल टू हो जाएगा प्लस रेंज इक्वल टू आर माइनस माइनस वन, इसको हटा दीजिए, बाकी जो भी होगा सब इसके रेंज में होगा, सब इसके रेंज में होगा कुछ भी हो है ना। एक जो होता है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस फाइव, ऐसा कोई भी फंक्शन है रूट अंडर एक्स माइनस फाइव, तो भाई ऐसा कौन सा है वैल्यू जो कि इसको जो होता है जीरो कर दे, जीरो वन अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए, वन अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए, वन अपॉन इनफिनिटी नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, इस ये सब अनडिफाइंड है मैथ में, तो
तो इसको जो होता है नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको केवल हम लोग बाकी तो जितने हैं सारे होते हैं पास वन ये कितना होगा जीरो जीरो का सॉरी एक्स का वैल्यू क्या ले फाइव माइनस फाइव का वैल्यू ये जो होता है जीरो आ रहा है। तो प्लस इसका जो रेंज होगा है ना इसका जो रेंज होगा कैसे निकालेंगे आर माइनस आर जैसे जो रियल नंबर है उसमें से क्या माइनस में कर दो फाइव फाइव को डिलीट कर दो बाकी सारे इसके रेंज में है। प्लस जो अनडिफाइंड जो मीनिंगफुल नहीं है उसको सॉरी सॉरी पहले तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ना रेंज है ना पहले तो इसको लिखना पड़ेगा मैं डायरेक्ट कर दूंगा एक्स को इसका तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं y इक्वल टू वन अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस फाइव आ गया ठीक है ना। और इसको स्क्वायरिंग में से पाई स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव ठीक है। अब ये हो गया प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर x की जगह x माइनस फाइव इक्वल टू वन अपॉन y स्क्वायर और x इक्वल टू कितना होगा वन अपॉन y स्क्वायर ये इधर माइनस का उधर जाता प्लस प्लस का हो जाएगा ठीक है। इसको जो होता है हम लोग प्लस में कर देंगे और प्लस में करने के बाद में इसको लिख देंगे x इक्वल टू वन प्लस फाइव बाय स्क्वायर अपॉन बाय स्क्वायर। तो क्लास देखो इसमें क्या हो गया कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि इसको अनडिफाइंड बना रहा तो और केवल एक ही वैल्यू है कौन सा वो y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ठीक है ना। जीरो पुट करेंगे तभी जो होता है ये आ जाएगा अदरवाइज नहीं। तो हमेशा जो होता है इसके जो रेंज है ना इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आप अच्छा एक बात और अगर हम लोग वो माइनस फाइव करते तभी भी नहीं आ रहा है ना तो जीरो पुट करने पे आ रहा है ना। तो रेंज जो हो जाएगा है ना जो रेंज हो जाएगा वो आर माइनस आर माइनस जीरो ये कर दीजिए बाकी सब होगा प्लस। चलो इस तरह से आप रेंज निकालो किसी का भी जो होता है दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द रेंज है ना। और हम लोग जो होता है कुछ और प्रॉब्लम के साथ करेंगे जब तक आप फाइंड करो अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन का एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस सीखेंगे प्लस। थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट टाइम।